हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम एस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 6 तरीके जिनके माध्यम से आप अपने घर बैठकर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते कई सारी कंपनी ने अपनी नौकरी जो एम्प्लॉई हैं वो हटा दिए हैं, कई लाख जो रोजगार वो खत्म हो चुके हैं और जो रोजगार खत्म होने की कगार पर हैं। तो ऐसे में आपके पास केवल ऑप्शन बचता है कि आप अपने घर से ही इसको काम को स्टार्ट करें। तो मैं आपको ऐसे 6 सुझाव देने वाला हूँ जिनके माध्यम से आप अपने घर बैठकर भी मनी बना सकते हैं, अर्थात पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा एम एस नॉलेज हब और ये एम एस नॉलेज हब पर आप क्लिक करेंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से जाकर के पहले जो लिंक है एम एस नॉलेज हब, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। देखिए, हम इस वेबसाइट पर जो है जितने भी हमारा जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, हेल्थ न्यूज, हिस्ट्री वगैरह, जो भी एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड वेबसाइट हमारी बनाई गई है, तो इस वेबसाइट पर हम ये सभी पोस्ट करते रहते हैं। आप वेबसाइट पर आएंगे, आने के बाद आपको अर्न मनी वाले कॉलम में सबसे पहले मिलेगा 6 ऐसे तरीके जिनसे आप घर बैठकर भी हजार रुपए कमा सकते हैं और अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो मैं ये 6 तरीके आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अर्थात आपके पास अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप घर के बैठे भी कर सकते हैं, परंतु आपके पास एक मोबाइल होना आवश्यक है। और ऐसा जनरेशन आज की ऐसी है, किसी के पास ऐसा है नहीं कि मोबाइल ना हो। तो ठीक है, सभी के पास अपना एक स्मार्टफोन होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं और उसके यूज से ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको ऐसे 6 तरीके जहां आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और इसमें आपके जो सबसे बड़ी जिसकी जो खासियत होगी, आपको इसमें इन इस रोजगार के लिए ना कि किसी ट्रेन की आवश्यकता है आपको, ना ही इसके लिए आपको कोई अधिक पैसे लगाने की आवश्यकता है, ना ही आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता है। आप घर से ही बैठकर इन रोजगारों को कर सकते हैं। इन रोजगारों में आपको जो है ना ही कोई निवेश करना होगा किसी तरीके का और प्रति माह आप 20,000 से 1,00,000 रुपए तक इसमें कमा सकते हैं। तो ये आपको मैंने बहुत ज्यादा अच्छी एक न्यूज देने वाला हूँ। मैं भी इसमें अप्लाई कर चुका हूँ, मैं भी इसी कार्य कर रहा हूँ, तो आपसे भी मैं इस बात को साझा करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है, यदि आप ये मेक मनी ऑनलाइन बाय द फोटो शेयर, अर्थात आपको यदि फोटो लेने का और फोटो शेयर करने का बहुत अधिक शौक है, तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसी वेबसाइट का सलाह देंगे कि आप वहां पर जो नेचर होता है, ब्यूटी, एडवेंचर, न्यू थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, पेट्स, जितने भी और एक्टिविटी फोटो आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में, उन फोटो को आप सेल कर सकते हैं। इसमें आपको जो है प्रति फोटो 10 से 50 रुपए मिल सकते हैं। यदि आप वेबसाइट से लंबे समय तक जुड़ते हो और वहां अकाउंट बना लेते हैं तो वहां पर आपको मंथली इनकम भी इसकी होती रहेगी। आपका फोटो जितनी बार डाउनलोड किया जाएगा उतनी बार आपको उसका कमीशन आता रहेगा। देखिए, यहाँ कुछ ऐसी वेबसाइट दी गई है, मैं आपको इन वेबसाइट पर भी लेकर बताऊंगा कि आप इन वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना करके अपनी फोटो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, अपना अपलोड कर सकते हैं और जितनी बार ये आपका फोटो डाउनलोड होता है किसी के द्वारा वो आपको उसका इनकम जनरेट होता रहता है। देखिए, सबसे पहले है वेबसाइट imagebazaar.com। इमेज बाजार पर आप अपना यहाँ से अपने साइन इन कर करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपके पास पिक्चर हैं, आपके पास अच्छी एट्रैक्टिव पिक्चर होनी चाहिए, चाहे आप खुद से बनाते हैं या आप अपने कैमरे के माध्यम से लेते हैं, तो उन्हें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जितनी बार कोई पिक्चर आप अपलोड डाउनलोड करता है उतनी बार आपको उसका कमीशन मिलता है। ये सब आप जो क्रिएशन करके आप भी इसको कर सकते हैं। एक वेबसाइट है आपके पास शटर स्टॉक भी एक ऐसी वेबसाइट है जो पेड है। इस पर आप अगर फोटो डाउनलोड करते हैं तो उसका भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है और आप अपनी फोटो सेल भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव पिक्चर मिलती है। तो ये पिक्चर कौन बनाता है, ये पिक्चर भी आप जैसे हम जैसे लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना अकाउंट बना लीजिएगा, एक क्रिएट अकाउंट कर करके आप यहाँ से अपनी पिक्चर जो बना करके डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा और अपलोड करते हैं तो उसका आपको कमीशन इसमें मिलता रहेगा। तो ठीक है, ये तो हमारा था पहला ऑप्शन। अब मैं आपका आता हूँ दूसरा ऑप्शन है हमारा। पहले इसमें आपको मेक मनी ऑनलाइन बाय कंटेंट राइटिंग। देखिए, कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा क्रेजी समय चल रहा है और इसके लिए तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक ऐसी काम है जिसको आप पार्ट टाइम तौर पर कर सकते हैं, आप दिन में से कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेसिंग होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है msnowledgehub.com, ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं और जो ब्लॉग्स हैं जो कि कंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि वो कंटेंट चाहते हैं कि लोग उन्हें कंटेंट दें। कंटेंट मीन्स यानी कि आप उनको आर्टिकल दें अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए, तो वो आपको उसके सर्विस में कुछ आपको चार्ज देते हैं। तो ऐसा आप परमानेंट भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वेबसाइट भी कर सकते हैं। एक मैं आपको इसका एक ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा कि आप freelancer.com है वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे इस तरीके के कि आप कंटेंट दे सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रतिभा है और आप एक कंटेंट लिख सकते हैं तो आप इससे 50,000 रुपये से भी अधिक महीने के कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, सिस्टम होता है, आपको एक जो कंटेंट होता है उसके लिए आपको 500 रुपए मिलते हैं।
कितने रुपए, 500 रुपए कंटेंट की मिल सकती है एक आर्टिकल का। वो आर्टिकल आपका 1000 से लगभग 1000 वर्ड तक का होना चाहिए, 800 का या 500 वर्ड तक का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है या तो 1000 रुपए मिल जाए, 500 रुपए मिल सकते हैं या तो आपको, और या मिल सकते हैं आपको 1 से 5 रुपए पर वर्ड के हिसाब से। दो तरीके के होते हैं। अब कुछ वेबसाइट ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो कि जो कंटेंट सेल कराती है, अर्थात जो कंटेंट परचेज करती है और उसके बाद वो देते हैं। तो देखिए upwork.com है, आप यहाँ से जाकर के भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा और वहां पर आप अपने कंटेंट देते रहिएगा। फ्रीलांसर है, घोस्ट राइटर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। यही मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आप हमारे जो वेबसाइट है msknowledgehub.com यहाँ पर आप कोई कंटेंट हमें देना चाहते हैं, आर्टिकल अर्थात 500-600 वर्ड का आर्टिकल देना चाहते हैं, वो आर्टिकल आपको कॉपीराइट फ्री आर्टिकल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अर्थात उसमें आपके अपने शब्द होने चाहिए। जो कीवर्ड्स हम आपको देंगे वो कीवर्ड्स पर आप जो है हमें, हम आपको टॉपिक देंगे कि इन टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिख सकते हैं, वो हमको सेंड कर सकते हैं, हम इसके नियम शर्त आपको बता देंगे, आप हमसे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो कंटेंट लेती है और उसके सब्जेक्ट में आपको पैसे देती है, तो ये बहुत अच्छा बेहद जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरा नंबर है आपका मेक मनी ऑनलाइन बाय द वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट अथवा कुछ कंपनियां, कुछ प्रोफेशनल मैन जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके पास ऑनलाइन वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो उनको एक जो है बंदा हायर करना पड़ता है जो कि उनकी जो हेल्प करता है, जैसे कि डिलीटिंग फाइल हो, ऑनलाइन फॉर्म हो, कुछ मैक ऑनलाइन वर्क प्रोजेक्ट हो या एक्सेल का प्रोजेक्ट हुआ, कोई ईमेल हैंडलिंग हुआ या रिप्लाई देना है कस्टमर्स का या डाटा एंट्री करनी है या कोई फाइल सेव करनी है, तो ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं उनके पास जो कि उन्हें हैंडल करने होते हैं, जो कि वो स्वयं से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक वर्चुअल असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो आप क्या तो किसी डायरेक्ट प्रोफेशनल, इसके लिए आपको linkedin.com पर अकाउंट बनाना होगा, वहाँ ऐसे प्रोफेशनल्स मिलते हैं आपको जिन्हें जो वर्चुअल असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप ये काम भी आप घर से करेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट देंगे कि मेरी ये ईमेल आपको डिलीट करनी है या इन ईमेल में से ये डाटा सेव करना है, या आपको फाइल्स देंगे वे कि एक्सेल में ये फाइलें बनानी है, तो आप घर से भी अपना सिस्टम पर बैठकर बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता होती है और ये काम आपको घर से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज और इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है, और ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको, अगर आप किसी प्रोफेशनल से नहीं जा पाते तो आप इन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, upwork.com, freelancer.com और linkedin, और ये है people per hour, ये चार वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारा मैक मनी ऑनलाइन वर्क डाटा एंट्री। देखिए डाटा एंट्री सेम एज वर्क है ऑनलाइन की तरह, इसमें क्या होता है आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि वो आपको प्रोजेक्ट देंगे कि हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराते हैं या आपको इमेज प्रोवाइड कराएंगे, उन इमेज से कहेंगे कि जिस इमेज में जो डाटा लिखा हुआ है उसको आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दो या वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके दो, अर्थात आपको जो एक पिक्चर दी जाएगी या आपको एक लिखा हुआ आर्टिकल दिया जाएगा, उस आर्टिकल को आपसे कहा जाएगा कि आप इसको जो है टाइप करके वर्ड में हमको दे दो, तो ये काम आपको इसमें करना होता है। इसके लिए आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज किया जाता है या आपको मंथली भी दिया जाता है, वो वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कार्यशैली पर डिपेंड करता है। तो है आप जो freelancer.com और upwork.com और people per hour पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे डाटा एंट्री के लिए, और आप डाटा मतलब आप केवल अपनी कंप्यूटर की सहायता से और अपनी टाइपिंग की स्पीड से आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फ्री है सब कुछ, freelancer आप फ्री में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पांचवा ऑप्शन मेक मनी ऑनलाइन बाय द टीचिंग। यदि आप एक अध्यापक हैं और आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं आप, तो आपके लिए आप, मैं कुछ ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूं, इन वेबसाइट के माध्यम से आप जो है यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि वेदांत है, वेदांत पे आप बिकम ए टीचर ऑन वेदांत, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको अपना एक टीचर है जो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लासेस देनी है, लेक्चर्स देने हैं, और जितना अच्छा आप लेक्चर्स देंगे, जितने आपके सब्सक्राइब होते चले जाएंगे, जितने आपका ऊपर फीडबैक आएगा, उतना ही वेदांत आपको क्रेडिट देगा उसका। और इसमें अलग अलग सबके प्लान्स हैं, इसके लिए मैं बता सकता हूं आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए आपको देखिए भारत ट्यूटर है, ट्यूटर इंडिया है और वेदांत है। यदि आप इंटरनेशनल में पढ़ाना चाहते हैं, अर्थात आप जो है इंग्लिश में आप अच्छे प्रेफरेंस हैं और अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या और किसी फ्रेंच, रूस, रशियन वगैरह लैंग्वेज आप अच्छे से जानते हैं, तो आप जो ये वर्ल्ड वाइड जो साइट है ट्विटर विस्टा और एजू बिजार्ड, इस पर भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और यहां से आप जो दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वहां से आपको बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। आप जल्दी से इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके लिए आपको डॉलर में पैसा मिलेगा। इसमें कुछ नहीं, केवल आपको एक लैपटॉप या मोबाइल की आवश्यकता होगी जिसमें आपका जो है वेब कैमरा चलता हो और उसके सामने बैठ कर आपको केवल लेक्चर देने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा मेक मनी ऑनलाइन बाय द सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड द कस्टमर फीडबैक रिप्लाई। देखिए ये अब का ट्रेंडिंग टॉपिक है समय का। अभी क्या है, कुछ कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ ओनर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि इस समय व्यापार जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग जो है अब लॉकडाउन में सब घर हैं, कोई एक दूसरे का प्रचार नहीं कर सकते, होल्डिंग बैनर नहीं लगाते, आप क्या करते हैं सोशल मीडिया प्रचार करते हैं।
तो जब कभी किसी कंपनी का जो कस्टमर्स होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, या जैसे कोई इंडिविजुअल हुआ, पर्सन हुआ, कोई प्रोफेशनल मैन है, उसके बहुत कई लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो उसको फीडबैक देते हैं, उसका रिप्लाई मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके पोस्ट करते हैं, उनके मैसेज करते हैं, तो कस्टमर का जो इतना डाटा आता है उसका रिप्लाई कौन देगा? वो एक इंडिविजुअल या कंपनी का जो ओनर है वो तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करता है, बंदे हायर करता है और उस सोशल जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर उन बंदों को बताता है कि इन कस्टमर्स को इनके अकॉर्डिंग इनका आंसर दो, इन्हें इनके अकॉर्डिंग इनके जवाब दिए जाएं, जो ये चाहते हैं वो उनको बताया जाए। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उन्हें आपको देना, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो है उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मैसेज पढ़ने हैं, उनके कमेंट पढ़ने हैं, उनकी पोस्ट जो पढ़नी है और उनके अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई देना है। और ये मैनेजमेंट जो होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहलाता है। इसके लिए आपको जो है अपने आसपास या जैसे कि लिंक्डइन सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये काम आराम से ले सकते हैं किसी से भी। जैसे कि आपका कोई भी प्रोफेशनल वहां मिलता है लिंक्डइन पर, सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं, आप वहां रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वहां पर आप अपना बता सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अच्छा हूं और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चलाना आता है और मैं आपके जो है फॉलोवर्स को उनको मैनेज कर सकता हूं। तो ये वेबसाइट्स हैं कुछ, यहां पर भी आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए वर्क प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जैसे freelancer.com है, upwork.com है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जॉब्स डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको 6-7 तरीके बताए हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठकर भी बहुत कम इनकम में, बहुत माना मात्र के पैसे लगाकर भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमारा जो एमएस नॉलेज हब है ये मैंने केवल अच्छे जो जॉब्स हैं जॉब्स के लिए और एजुकेशन रिलेटेड केवल दो पर्पज से मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, एक जॉब और एजुकेशन। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा और यहाँ पर इसमें एक सब्सक्राइब ऑप्शन आता है, आप ईमेल डालकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी कभी हमको इस तरीके का आर्टिकल आएगा वो आपके पास जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं और भी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं अभी जो हाल फिलहाल में स्टार्टिंग हो रहा है उस पर वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप लोगों से सभी से निवेदन है, यदि आप जॉब सीकर हैं अर्थात जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं या स्कॉलरशिप के लिए सर्च कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट स्कीम के लिए सर्च कर रहे हैं या आप एजुकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको कोई एग्जाम है उससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो आप एमएस नॉलेज हब पे आ जाइए। जी हाँ, एमएस नॉलेज हब आपको ये सब प्रोवाइड कराता है। यहाँ हमारे पास सभी प्रकार की जितनी भी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जितनी भी आपकी जो स्टडी मटेरियल होता है उन सबका हम लेक्चर और वीडियो अपलोड करते रहते हैं समय समय पर। फ्रेंड्स, यह है एमएस नॉलेज हब और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो आएगा आपके काम। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके मित्र मंडली है उसके साथ को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।